दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे ही पगड़ी बांधता हूँ मैं ये। आपने वो वीडियो अगर देखी है तो आपने फुल नहीं देखी है, क्योंकि मैंने उसमें बताया कि मुझे यूट्यूब से पैसे नहीं आए, तो इसके रूम में कोई भी नहीं था, इसलिए इसने पूरा वीडियो कॉल से मेरे को यहाँ तक बदल 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 करवा के यहाँ पे मेरे को बुलाया। और बराल भाई फ्रेंड्स सशियाकाल के दर्जी आने खुशी सिंह, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो गाइस। नए दिन के साथ नई शुरुआत हो चुकी है। सो अभी रहा है अमृत वेला, रात के 3 बज रहे हैं अभी। अभी अमृत वेला जाने का मन कर रहा है आज, क्योंकि रात को मैं लेट आया था कल, और उसके बाद मैंने गुड्डू वीर जी को फ़ोन किया कि क्यों ना आज अमृत वेला जाया जाए। वैसे तो पार्ट करके हम सो जाते हैं घर पर, बट आज गुरुद्वारा जाने का मन कर रहा है चैनल पर, जो कि अमृत वेला ट्रस्ट धन गुरु नानक दरबार जो कि है, तो वहाँ पे भी रिंकू भाई सब कीर्तन करते हैं। आज देखते हैं कब वो करते हैं कि कोई और आगे करते हैं, बट हमको अमृत वेला अटेंड करना है आज, क्योंकि मुझे आज भी याद है लास्ट डे की फेरी में मुझे रिंकू भाई साहब ने कान में बोला था कि बेटा 40 जन के बाद भी कभी अमृत वेला मत छूटना, तो गुरु महाराज मेहर करें कभी मैं अमृत वेला नहीं छूटे। और अमृत वेला की वजह से ही थोड़ा बहुत मैं बड़ा हूँ, थोड़ा बहुत क्या बहुत बड़ा हूँ, तो आप सब लोग का प्यार मुझे मिल रहा है, तो वाहेगुरु जी की ही मेहर है। तो आज मैंने डिसाइड किया कि हर संडे जाया जाएगा अमृत वेला गुरुद्वारे, और कोई भी संडे अगर नहीं गए तो माफ़ी, पर आज से स्टार्ट करेंगे। और जब तक स्टार्ट नहीं होता ना चीज़, सिर्फ सोच के बैठ जाते हैं ना, हाँ ठीक है करना है, तो वो गलत होता है, तो सोचो और डायरेक्ट कर दो। ये मैं बिलीव करता हूँ कि करने में, सिर्फ सोचने में नहीं। तो आज हम जाते हैं, अभी गुड्डू वीर जी को फ़ोन किया है और हरमीत वीर जी हैं हमारे साथ, तो हम 2 जाने और मैं 3 जाने, हम 3 जाने जाएंगे आज गुरुद्वारे और आप सबको दर्शन करेंगे, ट्राई करेंगे। और आज मेरे भाई की शादी भी है, तो सब यही एक ही ब्लॉग में आएगा पूरा आज का जो भी है, तो फुल ब्लॉग देखना और लाइक कर दिया करो यार, और कमेंट में बताया करो अपना फेवरेट पार्ट, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है रोज़ वीडियो बनाने की। और आपको मुझे देखना है अगर रोज़, तो लाइक शेयर कमेंट तो किया ही करो, और सब्सक्राइब जिन्होंने किया है तो बेल आइकन दबा दो। अमृत वेला के दर्शन करवाते हैं और दोस्तों से मिलवाते हैं, चलते हैं अभी। इतना अच्छा सा लग रहा है ना दिन बाद बाहर आके, देखो अमृत वेला जाते थे गोल मैदान में, यहाँ भी जा ही रहे हैं, बट वो वाली वाइब ना बहुत अलग थी, वो 40 दिन की सेवा अमृत वेला, ये लोग आ रहे दोस्त लोग, कब से खड़ा करके रख दिया, तो मैं उससे थोड़ा वीडियो बना देता हूँ। ओ बुलटन से एंट्री हो गई है वीरन दी, चलो क्यों उधर तो 5 नंबर निकल जाएगा। हाँ तो वी ट्रिपल देंगे ना, ट्रिपल सीटा पा नहीं पाऊंगी। क्या बुड़ी कला सो गाइस सेम ब्लॉग नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे तो नहीं, सुबह अमृत वेला गए थे और अभी दोपहर हो रही है। यूट्यूब से मुझे अभी तक पैसे नहीं आए हैं, और आपने वो वीडियो
अगर देखी है तो आपने फुल नहीं देखी है, क्योंकि मैंने उसमें बताया कि मुझे यूट्यूब से पैसे नहीं आए हैं, क्योंकि मुझे एडसेंस का पिन भी नहीं आया अभी तक, और मैंने ऐसे ही पैसे निकलवाए थे जो भी कितने भी है, तो यूट्यूब से पैसे मुझे वो नहीं आए, मैंने ऐसे ही बनाया था वो वीडियो व्लॉग, और इसको यूट्यूब का क्लिकबेट बोलते हैं। तो ठीक है, वो मैंने ट्राई किया था फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट, तो अच्छा गया मेरा। और गाइस मैंने देखो, अगर मेरे पास इतने सारे पैसे आते तो मैं ऐसे कपड़े तो नहीं बनता, और मेरी पगड़ी पूरी फेड हो चुकी है, आपको वीडियो में नहीं पता लग रहेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ पगड़ी, देखो मेरी पगड़ी दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे ही पगड़ी बांधता हूँ मैं, ये देखो पूरी हाइड करके ऐसे ही बांधता हूँ। अगर यूट्यूब से पैसे आते हैं ना तो सबसे पहले पगड़ियाँ लूँगा बहुत सारी, और अपनी फेवरेट फेवरेट कलर की अलग अलग पगड़ियाँ लूँगा, और अच्छे अच्छे कपड़े लूँगा, और सबसे ज़्यादा तो अपने यूट्यूब के 10% मैं गरीबों में दान करूँगा, जितनी मेरी औकात है मैं उतना करूँगा। और आप चाहते हो कि आपका भाई अच्छे से कमाएं, तो आपको बस क्या करना है, वीडियो को करना है शेयर अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको अच्छी लगी तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो, आपके भाई के पास पगड़ी आएंगी अच्छी अच्छी, ये तो पढ़ना है वो भी पटेला, तो हम एडजस्ट करके बांधते हैं, कपड़े भी हम एडजस्ट करके ही पहनते हैं, आपकी दोबारा की तो बहुत आगे बढ़ेंगे। तो अभी मेरा प्लान है कि मैं जा रहा हूँ बिलापुर, मेरा फ्रेंड कुणाल है, आपने उसको व्लॉग में पहले देखा रहेगा, बट अभी जो मेरी न्यू पब्लिक है, न्यू सब्सक्राइबर्स है, वो उन्होंने नहीं देखा रहेगा, तो आज मैं आपसे मिलाता हूँ, वो मेरा बहुत पुराना, मतलब 2 साल हमारी फ्रेंडशिप को, 1.5 साल 1 साल हो गए, तो उसके बाद जा रहा हूँ मैं बेलापुर, जो कि थाने के आगे हैं, खारगर के पहले पनवेल साइड के बीच में आता है बेलापुर CBD, वहाँ पे जाना है मुझे, अभी मेरे को 1.5 घंटा लगेगा वहाँ पे जाने के लिए, तो अभी निकल रहा हूँ मैं घर से, और बैग वगैरह पैक किया, एक ही कपड़ा डाला, क्योंकि कल हमको जाना है, हमारा एक ऑडिशन है सोनी लिव के लिए, तो मैं सोचा था नहीं बताऊँगा, पर बता दिया मैंने, कि जाएंगे उससे मिलेंगे कुणाल से, और ऑडिशन देने का हमको, तो कल जाएंगे हम लोग अंधेरी ऑडिशन देने के लिए, और उसके लिए आज मेरे भाई की शादी भी थी, तो उसमें भी नहीं जा रहा हूँ मैं, बिकॉज हम अभी जाएंगे ऑडिशन प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद कल देना है, तो मेन है उसके लिए, मैं शादी में भी नहीं जा पाया, क्योंकि मैं लेट उठा था, अमृत ले गया था, फिर थोड़ा सा लेट उठा था, और अचानक से कुणाल का तो मेरे को बहुत टाइम से मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहे हैं, मेरे को भी मिलने का उससे बहुत प्लानिंग किया है, बट बहुत बार कैंसिल हो चुका है शूट्स की वजह से, इसकी वजह से, तो आज हम जाएंगे कुणाल के पास, उसके पास स्टे करेंगे, और आपसे मिलवाऊँगा, इंट्रो करवाऊँगा, और मैंने सब कुछ डाल दिया है बैग में, चार्जर डाला, कपड़े डाले कल के लिए, और कल का जो ऑडिशन के लिए लगेगा कपड़ा वो भी डाल दिया, ईयरफोन्स पड़े हैं उधर वो लेने, और 2-3 एक बार वापस चेक कर लेता हूँ बैग में जो भी अगर रहेगा, नहीं रहेगा तो वो डाल देंगे, तो अभी बैग भी पैक कर लिया, और आपको बता भी दिया कि मैं किधर जा रहा हूँ, तो अभी यहाँ से निकलना है, ट्रेन पकड़नी उल्लास से और सीधा बेलापुर, देखो टिकट भी निकाल दिए, और वैसे भी जाने का है बेलापुर, सीधा आपको बेलापुर में मिलते हैं। सो गाइस फाइनली पहुँच गया मैं कुणाल के घर पे, आपको हर फिलहाल अभी रूम तो नहीं दिखा सकते, थोड़ा सा उथल पुथल मची हुई है, और मेरे पीछे खड़ा है कुणाल, तो मैं आया था चाय बनाने लग गया ये, और कुणाल भाई तो इसके रूम में कोई भी नहीं था, इसलिए इसने पूरा वीडियो कॉल से मेरे को यहाँ तक बदल करवा के यहाँ पे मेरे को बुलाया, और पूरा रोड क्रॉस ये वो, मतलब यहाँ पे ना बॉम्बे की साइड अलग है, तो सेंट्रल साइड वो अलग दिखती है, हर्बल लाइन तो पूरा अलग ही दिखता है, उसमें हर्बल लाइन की वाइब भी अलग है इधर पूरा, और आ रहा था तो मतलब ठंडा ठंडा मौसम लग रहा था, और कल रात को भी हम लोग घूम रहे थे, बहुत ठंडी ठंडी मौसम लग रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि चल ठंडी तो आई, हिमाचल वगैरह में तो बर्फ गिरना भी चालू हो गया, चलो अच्छी बात है। अभी ये वीडियो को हम करते हैं एंड, तो अभी दूसरी वीडियो बनाएंगे, मतलब यहाँ से जो कंटिन्यू होगा कुणाल के साथ, सो यहाँ तक वीडियो देखिए, जरूर पसंद आया रहेगा तो लाइक करके जाना, नया हो सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट में बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।